हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुमन, सुमन ब्यूटीफुल मेकअप में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं बताने वाली हूँ कि अपना फेस में कौन कौन सा क्रीम प्राइमर के बिना कैसे लगा सकते हैं कोई भी मेकअप, इसके बारे में मैं रिव्यू देने वाली हूँ। जो कि अगर मेरे पास अगर प्राइमर उपलब्ध नहीं है तो हम अपना कोई भी मेकअप कैसे करें, अपना फेस में लॉन्ग लास्टिंग कैसे बनाएं, तो इसलिए मैं लाई हूँ कि जो कि आप बिना प्राइमर के कैसे फेस में अपना पूरा मेकओवर कर सकते हैं, मेकअप लगा सकते हैं। इसके लिए हमको सबसे पहले अपना फेस को क्लीन करना पड़ेगा। मैं तो क्लीन कर ली हूँ, फेस वॉश करके कॉटन कपड़ा पोंछ ली हूँ, अच्छा से फेस को साफ कर ली हूँ, और उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा फर्स्ट स्टेप जो होता है प्राइमर। प्राइमर अपना फेस में अप्लाई कीजिए, उसके बाद ही कोई फेशियल क्रीम लगाइए जो कि आपका कोई मेकअप ना इधर ना उधर रहे। तो मेरे पास तो प्राइमर है, लेकिन जिसके पास प्राइमर नहीं है तो ये एलोवेरा जेल अपना फेस पे पहले अप्लाई कीजिए, उसके बाद आप कोई फेस क्रीम लगाइए। ये थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेना है, अपना फेस में पूरे अप्लाई करना है, एलोवेरा जेल लगाना है आपको। ये मैं एलोवेरा जेल हिमालय का एलोवेरा जेल लगा रही हूँ, पतंजलि का। तो मैं थोड़ा सा अभी लेके अपना फेस में लगा रही हूँ, देख सकते। इस टाइप से आपको फेस पूरे अप्लाई कर लेना है प्राइमर। प्राइमर तो नहीं है, एलोवेरा जेल ही इतना अच्छा रहता है। आप कोई भी फेस क्रीम लगाने से पहले अपना फेस में एलोवेरा जेल लगा लीजिए, जो कि आपको लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। कोई भी मतलब क्रीम वगैरह लगाएंगे, मेकअप का चीज़ इधर नहीं होगा, अच्छा से लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, वाटरप्रूफ रहेगा। सबसे पहले आपको एलोवेरा जेल अप्लाई करना है अपना फेस में, उसके बाद ही कोई फेस क्रीम लगाना है। जो कि मेरा अभी एलोवेरा जेल लगा के थोड़ा देर हो गया, ड्राई हो गया है ये। इसके बाद मैं अभी कोई भी फेस क्रीम अपना फेस पे अप्लाई करूँगी, जो कि अभी आप देख सकते हैं। मैं सबसे पहले ये लिखो जो ये कंसीलर ये देख सकते हैं, मैं कंसीलर अपना फेस में अप्लाई करूँगी। कंसीलर एंड फाउंडेशन दोनों मिक्स करके अपना फेस में लगाऊंगी एक साथ, जो कि आप रिजल्ट देखेंगे मेरा फेस में कितना अच्छा, और घंटों का काम ना मिनटों में हो जाएगा। जल्दी ही आप जल्द ही फेस में अपना मेकअप कर सकते हैं। जल्दी आप अपना, जैसे कि एक होता है कि पहले फाउंडेशन लगाओ इधर उधर पूरे, उसके बाद कोई क्रीम लगाओ, एक बाय स्टेप स्टेप अलग अलग, लेकिन नहीं, हम दोनों एक ही साथ लगा के दिखाऊंगी और कितना जल्दी कितना फास्ट हो जाएगा। बिना टाइम गवाए हुए मैं जल्दी रिव्यू देती हूँ इस फाउंडेशन एंड कंसीलर। तो सबसे पहले हमको कंसीलर, थोड़ा सा फाउंडेशन और कंसीलर एक साथ करना है। ये कंसीलर आपको इस तरह से लेनी है, और इस तरह से यहाँ पे ज़्यादातर डार्क सर्कल होता है, तो उस तरह से यहाँ पे लगा लेनी है इस टाइप से। इस टाइप से लगानी है आपको, बस यहीं पे लगानी है। उसके बाद इसमें हम फाउंडेशन निकाल के रखी हूँ, जो कि इसमें थोड़ा सा मिक्स करनी है। ये कंसीलर और फाउंडेशन दोनों मिक्स करके मैं अपना फेस पे अप्लाई करूँगी, जो कि आप देखेंगे। सबसे पहले जो मैं आईज़ के नीचे लगाई हूँ, ब्लैक हेड के नीचे, डार्क सर्कल के नीचे लगाई हूँ, इसको पूरा मेल्ट करना है, मिलाना है। तो इसके लिए सबसे पहले इसको मिला लेती हूँ, उसके बाद ही फाउंडेशन लगाऊंगी और एंड कंसीलर दोनों मिक्स करके लगाऊंगी। ये मैं लगा ली हूँ डार्क सर्कल के नीचे, इसको लगा ली हूँ। चाहे तो आप यहाँ नोज के पास लगा सकते हैं, यहाँ
यहाँ अपर लिप्स के नीचे लगा सकते हैं, फोरहेड पर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं जल्दी मतलब लगा के दिखाने वाली हूँ। तो इस तरह मैं ये फाउंडेशन का जो ढक्कन होता है उसी से मैं यूज़ करती हूँ किस तरह से। ये मैं पूरा फेस पे अप्लाई कर ली हूँ फाउंडेशन का, और चाहे तो आप लिपस्टिक अपना फेस में थोड़ा सा गुलाबी गुलाबी रेडनेस चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा लिपस्टिक ऐड कर दीजिए, जहाँ जहाँ आप रेड चाहते हैं थोड़ा सा लिपस्टिक ऐड कर दीजिए, तो ताकि आपका मेकअप पूरा अच्छा दिखे, सुंदर दिखे। तो इसके लिए मैं ये ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ पूरा लगाने के लिए, पूरे इसको मेल्ट करने के लिए। तो ब्यूटी ब्लेंडर जो भी इसमें से बच गया है इसको ब्यूटी ब्लेंडर के मदद से मैं ले लूँगी। तो इस तरह से ब्यूटी ब्लेंडर में मैं सब ले ली हूँ, उसके बाद इसको इस तरह मेल्ट करूँगी। जो कि आप देख सकते हैं कितना अच्छा रिजल्ट देता है, फाउंडेशन एंड कंसीलर दोनों मिक्स करके मैं लगा रही हूँ। चाहे तो आप नेक में भी लगा सकते हैं, अगर ये नहीं कि मतलब चेहरा गोरा दिखे और नेक ब्लैक दिखे। मैं अभी फ़िलहाल नेक पर पूरे नेक लगा रही हूँ, आप चाहे तो पूरा नेक पे भी लगा सकते हैं दोनों मिक्स करके। मैं तो पहले हिमालय का फेस वॉश यूज़ की हूँ, उसके बाद ये फाउंडेशन एंड कंसीलर दोनों मिक्स करके। मतलब जल्दीबाजी आपको मेकअप करना है तो इस तरह कर सकते हैं। आईज़ के ऊपर में भी लगा सकते हैं। और ये मेरा देखिए फाइनल लुक कैसा आया है, फाउंडेशन एंड कंसीलर लगा के कितना बेहद अच्छा और जल्दीबाजी में हो गया है। बस ये तीन चीज़ से मैं अपना पूरा फेस मेकअप की हूँ, हिमालय फाउंडेशन एंड कंसीलर, ये तीनों चीज़। फर्स्ट स्टेप हिमालय लगाना है आपको, एलोवेरा जेल अपना फेस में अप्लाई करना है। सेकेंड में आपको फाउंडेशन चाहे तो फाउंडेशन लगा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको कंसीलर लगाना पड़ेगा ब्लैक हेड के नीचे, मतलब आईज़ के नीचे जो हो जाता है डार्क सर्कल, उसको रिमूव करने के लिए आपको इस तरह से लगाना है कंसीलर, उसके बाद आपको लगाना है फाउंडेशन। दोनों मिक्स करके जल्दीबाजी में अगर कहीं जा रहे हैं तो लगा सकते हैं। और इसके लिए आपको तीनों चीज़ रहना चाहिए मेकअप करने के लिए, और मेकअप आपको तुरंत ही फिनिश रेडी हो जाएगा।